अगर आपने अभी तक टीआई खान मियां वाली टू इस्लामाबाद जो मोटरवे है उस पर ट्रैवल नहीं किया तो ये वीडियो आपके लिए है। एक तो इससे ट्रैवलिंग आसान हो गई है, दूसरा ये कि कमाल का लैंडस्केप है। ये वीडियो देखें और उसके बाद अगर आपने अभी तक यहाँ पर ट्रैवल नहीं किया तो ये इस लैंडस्केप को एंजॉय करने के लिए एक दफ़ा लॉन्ग ड्राइव पे इस मोटरवे पे ज़रूर आएँ। M14 या इस्लामाबाद टीआई खान मोटरवे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। इसकी लंबाई तकरीबन 285 किलोमीटर है और इसका इफ्तिताह 2022 में हुआ। ये मोटरवे जंड, अटक, पिंडी घेप, त्राप, मियांवाली, दाऊदखेल के शहरों से गुजरती है। इस मोटरवे का लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत है। मैं इस रास्ते पर कई मरतबा ट्रैवल कर चुका हूं और हर बार इसका नज़ारा अलग ही होता है। अगर आप पब्लिक हॉलीडेज में ट्रैवल कर रहे हो तो इस्लामाबाद इंटरचेंज पर सिर्फ दो काउंटर होने की वजह से आपको एंट्री या एग्जिट पर रश का सामना करना पड़ सकता है। मेरे साथ भी यही हुआ, बट आई होप कि ये फ्यूचर में ये इशू रिजॉल्व कर लिया जाएगा। जैसे ही आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एक खूबसूरत लैंडस्केप आपका हमराही हो जाता है। छोटे छोटे गांव, हरे भरे खेत, गांव की मस्जिदें और दूसरी रवायती देही जिंदगी आपको बहुत ही मशहूर करती है। इसके अलावा बरानी नहरें या तालाब, उन नहरों के आसपास उड़ते परिंदे, चारा चरते मवेशी, ये सब नज़ारे इस सफर को बोर नहीं होने देते। मोटरवे M14 पर रेस्ट के लिए कोई खास जगह अवेलेबल नहीं है। ऑलमोस्ट मिड में जाके एक टक शॉप, पेट्रोल पंप और वॉशरूम्स अवेलेबल हैं, तो ये बात ज़हन में रख के ट्रैवल करें। इस रोड के बन जाने से ना सिर्फ यहाँ के आसपास के इलाके के लोगों के लिए रोज़गार के मौके बढ़ेंगे बल्कि सेहत, तालीम और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी तक के लिए रसाई आसान हो जाएगी। अच्छी सड़कें दौर हाजिर में किसी भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, जिससे ना सिर्फ सफ़र करना आसान हो जाता है बल्कि ज़िंदगी के दीगर उमूर में भी सहूलत मिलती है। आसपास के किसानों, ताजरों, सनतकारों और दीगर हुनरमंदों के लिए बड़ी मंडियों तक रसाई आसान हो जाती है और ऐसे ही एक अच्छा मुआशरा परवान चढ़ता है।
आई वुड सजेस्ट कि स्वान नहर के पास 2 मिनट ब्रेक लगाकर इसका नज़ारा एंजॉय ज़रूर करें। और जब दाऊद ख्याल के पहाड़ी इलाकों में पहुंचें तो यहां के व्यूज भी एंजॉय करना मत भूलें। M14 पर मेरा सफ़र बस यहीं तक था। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। इंशाल्लाह मेया वाली सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में नमल लेक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।